हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न वृद्धितिमन में। केवीएस वैकेंसीज 2023 परमानेंट वैकेंसीज पीजीटी टीजीटी पीआरटी एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, तो न्यू नोटिस जारी हुआ है। मेन वेबसाइट पर जो है वो हम लोग जाकर देखेंगे। यहाँ पर वैकेंसी की पूरी लिस्ट 230 पेजों की अलग अलग रीजन से हर सब्जेक्ट की जो है वो जारी कर दी गई है। तो 16 जुलाई का जो है अनाउंसमेंट जो है वो आया है, तो पूरी लिस्ट जो है वह देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो साइट है वहां पर हम आ जाते हैं। और नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा है 16 जुलाई का टेंटेटिव वैकेंसी एज ऑन 30 जून 2023, यानी 30 जून तक। उसके बाद जो है जितनी भी वैकेंसी है वो सारी की सारी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। तो ये लिस्ट, तो यहाँ पर जो है टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन ऑफ टीचिंग स्टाफ अप टू पीजीटी तक एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अप टू एएसओ तक, ठीक है। तो 30 जून 2023 तक जो है वो पूरी लिस्ट आ गई है, कौन कौन से रीजन में कितनी जो है वो पोस्ट है, किस सब्जेक्ट की है। तो यहाँ पर जो है अल्फाबेट वाइज जो है वो स्टार्ट हुआ है। 230 पेजों की ये पीडीएफ फाइल है, जिसको कंप्लीट जो है वो अगर मैं आप लोगों को दिखाने लगी तो काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो लिस्ट जो है वो आप लोग डाउनलोड करके जो है देख सकते हैं कौन कौन से रीजन में कितनी वैकेंसी अभी भरनी बाकी है। तो 30 जून तक का पूरा डेटा जो है यहाँ पर आ चुका है। और जैसे कि ये आप देख रहे हैं पोस्ट नेम पीजीटी है, ठीक है, उसके बाद पीआरटी की वैकेंसी है, टीजीटी की है, अलग अलग रीजन में अलग अलग वैकेंसी है। यहाँ पर जो है वो टीजीटी की है, ठीक है। सब्जेक्ट भी यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सब्जेक्ट जो है वह भी दिखाए गए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट की जो है वैकेंसी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोड जो है वो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अहमदाबाद में आप देख सकते हो, यहाँ पर टीजीटी की पोस्ट है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। तो यहाँ सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसकी वैकेंसी है। इसी तरीके से जो है एक ही रीजन में बहुत सारी वैकेंसी है बहुत सारे सब्जेक्ट की। तो ये पूरी जो लिस्ट है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कि आप जो है वो कौन से रीजन के अंतर्गत आते हो। जैसे कि राजस्थान में जयपुर रीजन के अंतर्गत जो है वो अधिकतर जो है वो बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पर इन सभी वैकेंसीज को जो है वो अब फिल किया जाएगा, ठीक है। ए जो है वो अल्फाबेट में सबसे पहले आता है, उसके बाद बी बेंगलुरु, ठीक है। तो यहाँ पर भी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, प्राइमरी टीचर की, सब स्टाफ की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, ठीक है। और सब्जेक्ट भी आप देख सकते हो कि केमिस्ट्री, कंप्यूटर, हिंदी, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट की जो है वो वैकेंसी है। अब इनको जो है वो फिल किया कैसे किया जाएगा, आपको पता है पीजीटी का टीजीटी का सबका रिजल्ट आ गया है, इंटरव्यू जो है वो हो चुके हैं, प्रिंसिपल के, नॉन टीचिंग स्टाफ का हो चुका है, इसके साथ एलडीसी का भी हो चुका है। पीआरटी का रिजल्ट अभी नहीं आया है, ठीक है, तो वो कोर्ट में गया है, तो अभी जो है वो सुनवाई होगी, उसका भी रिजल्ट जो है वो जल्दी से डिक्लेयर हो जाएगा और फिर जो है वो वैकेंसी जारी होंगी। तो इनको चार तरीके से जो है वो फिल किया जाएगा। एक तो नया विज्ञापन जारी हो, ठीक है, तो जल्द से जो है वो नया विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो भी वैकेंसी ये खाली हैं तो यहाँ विज्ञापन देखने को मिलेगा। आप अपनी तैयारी जो है वह जारी रखें यदि आप केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट वैकेंसी की जो है चाह रख रहे हैं। और दूसरा इन सीटों को भरने का जो है एक और रीजन ये है कि एलडीसी एग्जाम जो है अभी हुए हैं प्रमोशन वाले, ठीक है, तो वहां पर जैसे पीआरटी का टीचर है तो वह जो है चला जाएगा टीजीटी में, ठीक है। तो पीआरटी की जो सीट है वह खाली हो जाएगी, टीजीटी का जो टीचर है तो उसने प्रमोशन यानी पीजीटी में जाएगा वो। तो इस तरीके से सीटें खाली हो जाएंगी। तो एलडीसी का जो एग्जाम है प्रमोशन का, तो वह भी एक रीजन है और जिस वजह से जो है सीट होगी खाली, और यहाँ पर जो है नया विज्ञापन जो है वह आने की पूरी पूरी संभावना रहने वाली है। तो यहाँ पर विज्ञापन जो है वो जरूर आएगा, आप देखिएगा, क्योंकि इतनी सारी जो वैकेंसीज खाली हैं टीजीटी पीजीटी पीआरटी नॉन टीचिंग स्टाफ की, अभी ही इतनी खाली हैं। और अभी जो है जैसे ही इन लोगों के ट्रांसफर भी हो जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो ये पूरी लिस्ट जो है वो 30 जून तक की है, 230 पेजेस की। तो ये अगर हम टोटल करेंगे तो भी काफी संख्या हो जाएगी वैकेंसीज की, ठीक है। तो अनाउंसमेंट सेक्शन में जो है यहाँ पर आप लोगों को विज्ञापन जो है वो आ जाएगा, और आप लोग तैयारी जो है वो अपनी रेगुलर रखें, क्योंकि परमानेंट होने के लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने के लिए भी बच्चे जो है इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि केवीएस स्कूल ही ऐसा है, यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ का मैनेजमेंट जो है वो काफी अच्छा रहता है। आप कहीं भी जो है वो पढ़ाने जाएंगे, केवीएस का नाम ही ले देंगे तो
आप लोगों को फटाफट से जॉब जो है वह मिल भी जाती है, ठीक है। और केंद्रीय विद्यालय में अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर लग जाते हैं तो उसके बाद परमानेंट जो है पोस्ट मिलना आसान काम हो जाता है, क्योंकि रिटर्न आप लोग क्लियर कर लेते हैं। इंटरव्यू जो है वहां पर अगर आपका एक्सपीरियंस है पहले से ही इन स्कूल में पढ़ाने का, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा जो है वो प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी जैसे ही वैकेंसी निकलती है तो मैं आप लोगों को अपडेट करती ही रहती हूँ। जितने भी जो है केवीएस से वैकेंसीज आ रही है, चाहे वह पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की हो, चाहे वह बाल वाटिका टीचर्स की हो, तो तैयारी जो है वह करते रहें, एक्टिव रहें और अपडेट रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।